भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने गुरुवार 27 अप्रैल को एक बयान जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ के अरनपुर में हुए नक्सली हमले के पीछे उसी का हाथ है। सीपीआई माओइस्ट की दरभा डिवीजन ने अपने लेटर में इस हमले को वीरतापूर्ण काम बताया, साथ ही इसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी नागरिकों पर सरकारों और सुरक्षा बलों के अत्याचार का बदला करार दिया। लेकिन जब सीपीआई माओइस्ट ये बयान लिख रहा था, उसी वक्त दंतेवाड़ा जिले के अलग अलग हिस्सों में उन जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही थी जो बुधवार के नक्सली हमले में शहीद हो गए। उन्हीं में से एक जवान के अंतिम संस्कार की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर में एक महिला चिता की लकड़ियों पर उल्टा लेट गई है। बस्तर के एक पत्रकार अविनाश प्रसाद ने ट्विटर पर यह तस्वीर शेयर कर बताया कि ये महिला हमले में शहीद हुए डीआरजी के जवान लखमू राम मरकाम की पत्नी है। अविनाश ने अपने ट्वीट में लिखा कि लखमू मरकाम की पत्नी में पति का शव जलते देखने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए उनसे पहले खुद ही चिता पर लेट गई ताकि पति के शव को उस पर ना रखा जाए। अविनाश ने लिखा, ये मार्मिक तस्वीर दंतेवाड़ा जिले के कासोली गांव की है। नक्सली हमले में शहीद जवान लखमू मरकाम की पत्नी चिता की लकड़ी पर लेटी है। अपने जीवन साथी का शव जलता हुआ देखने की हिम्मत नहीं है उनमें। शहीद की अंतिम यात्रा में उमड़े लोग अमर जवान के नारे लगाते रहे। बाद में अविनाश ने इसका वीडियो भी पोस्ट किया। शहीद लखमू राम मड़कामी छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रहने वाले थे। थाना तहसील भैरमगढ़ स्थित निराम गांव में उनका घर है। 5 जून 1984 को जन्मे लखमू राम ने 29 जनवरी 2016 को डीआरजी ज्वाइन की थी। पिछले 6.5 सालों से वो नक्सल विरोधी अभियान में अपनी भूमिका निभा रहे थे। 26 अप्रैल 2023 को हुए नक्सली हमले में उनकी मौत हो गई। लखमू राम 39 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार किस गांव में हुआ ये पूरी तरह साफ नहीं है। वायरल ट्वीट में बताया गया है कि अंतिम संस्कार दंतेवाड़ा के कासोली गांव में हुआ। हालांकि जिस ताबूत में उनका शव लाया गया उसमें लखमू के गांव निराम का जिक्र है। उन्हें श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे जिन्होंने परंपरा के अनुसार जवान का अंतिम संस्कार किया। इससे पहले 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बड़े नक्सली हमले में कम से कम 10 जवान मारे गए। वो सभी राज्य के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी का हिस्सा थे। जवानों के साथ गए एक ड्राइवर के भी मारे जाने की सूचना थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर 25 अप्रैल की रात 250 की संख्या में जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी दुष्यंत ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।